ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों और माताओं का श्री श्री गौर राधा कृष्ण मंदिर के सभी भक्तों की ओर से हार्दिक स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। हरे कृष्णा। हर जीव हर इंसान उत्सव प्रेमी है। हर किसी को उत्सव बड़े अच्छे लगते हैं। दिन त्योहार हो, धूमधाम मची हो, बड़ा अच्छा लगता है। सब लोग मिलके बैठे हों, उत्सव मना रहे हों। हर किसी के लिए उत्सव की अपनी अपनी परिभाषा है। जैसे कि कोई दुकान पे दुकानदार बैठा हुआ है तो उसके लिए उत्सव की परिभाषा है कि उसके पास नोट आ रहे हैं और वो बैठ के नोट गिन रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं आगे सारा मंडी एरिया है, वहाँ पर दुकानदारों के लिए उत्सव है कि उनके पास पैसा आता रहे और बस पैसा गिनते रहें सुबह से लेकर शाम तक। और घरों में क्या उत्सव होता है, ज़्यादातर हर महीने जब सैलरी आती है तो उत्सव होता है। हम लोग की भी जब सैलरी आती थी तो हम लोग अपने ऑफिस में उत्सव मनाते थे। घर से कोई खाना नहीं लेके आता था, सब लोग बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवाते थे और लंच बाहर का होता था। और हर किसी के लिए अपनी अपनी परिभाषा है उत्सव की। हर किसी को सेलिब्रेशन अच्छा लगता है। हर कोई चाहता है मैं जिंदगी को सेलिब्रेट करूं, खुश रहूं। चाहता तो है हर कोई खुश रहना, लेकिन होता क्या है, जैसा कि कुछ शब्द कहे गए हैं बड़े अच्छे हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिना रहत उदास, संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी सिर्फ कृष्ण का दास। सिर्फ भगवान के जो दास हैं, कृष्णदास बिंदास, जो ना रहे कभी उदास। वरना संसार में देखो सब लोग उदास पड़े हुए हैं, किसी को सुख नहीं है। लेकिन जो कृष्ण के दास हैं, जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, जो कृष्ण को समर्पित हैं, जिनका सहारा केवल कृष्ण ही है, जिन्होंने मान लिया है कि मेरा सहारा केवल कृष्ण है और कोई नहीं है, केवल वो ही सुखी है। क्यों? क्योंकि संसार का सारा सुख तो भगवान के चरणों में है। कृष्ण क्या करते हैं, जो भगवान कृष्ण की शरण में आता है कृष्ण उसको सुख प्रदान करते हैं। और ऐसा वैसा सुख नहीं, इटर्नल सुख, इटर्नल हैप्पीनेस, जो कि वो कभी दुखी नहीं होता और वो उसका सुख हमेशा बढ़ता जाता है। संसार में सुख को अगर देखा जाए तो सुख क्या है, लोग थोड़ी देर के लिए सुखी होते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, सेलिब्रेशन मॉल चले जाएंगे, अल्फा वन मॉल चले जाएंगे, कहीं होटल में रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, लेकिन जब वापस आए तो वैसे के वैसे। जैसे पंजाबी में एक कहावत है, भौचों के खोती बोर थले पहुंची।
वापस फिर वहीं पर ही आ जाते हैं। तो जो केवल कृष्ण को समर्पित है, कृष्ण को ही केवल अपना सहारा माना हुआ है, बस केवल वही सुखी है। आज हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ जी की एक लीला की। एक समय क्या हुआ, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य श्री रामानुजाचार्य, ये घटना है लगभग आज से 700-800 साल पहले की। रामानुजाचार्य जी भगवान लक्ष्मण जी के अवतार हुए। राम अनुज मतलब राम के अनुज छोटे, वो लक्ष्मण है, उनका नाम हुआ रामानुज। तो एक समय श्री रामानुज आचार्य, उनकी ऐसी इच्छा हुई कि मैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी धाम जाऊं, और वो अपने 1000 शिष्यों को लेके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए गए। सैकड़ों हजारों शिष्य थे उनके, 1000 शिष्यों को लेके गए थे जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे। और जब गए भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के दर्शन किए, भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए उन्होंने, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो परम ब्रह्म भगवान जगन्नाथ हैं, ये इनकी यहां पर किस तरह से सेवा चल रही है, ये जो पंडे पुजारी हैं ये अपनी मनमर्जी से सेवा कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की, ये सेवा का कोई सही साधन नहीं है, इसको सही करवाना चाहिए। जैसा कि वेद शास्त्रों में दिया गया है, जो सिद्धांत दिए गए हैं भगवान की सेवा के, जैसी बताई गई है शास्त्रों में, वेदों में भगवान की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, वैसा तो कुछ यहाँ पर पालन ही नहीं हो रहा। यहाँ पर वेद शास्त्रों के सिद्धांतों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मजाक बना रखा है भगवान की सेवा को। रामानुजाचार्य जी ने वहाँ के जो राजा थे उनसे बात की कि राजा मैं तुम्हारे यहाँ पर जगन्नाथ जी की सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ, क्योंकि ये सब मनमर्जी चल रही है भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा जो है जैसा वेद शास्त्रों में दिए गए हैं नियम उसी हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सेवा हो रही है वो मनमाने ढंग से हो रही है, इसलिए मुझे प्रसन्नता नहीं है, मैं बहुत दुखी हुआ हूँ यहाँ पे आके। इसलिए ये सब जितने भी पंडे पुजारी लगे हुए हैं इनको हटाओ और मैं अपने 1000 शिष्यों को यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और जैसे ही रामानुजाचार्य जी ने उन सब पंडों को हटा के, सेवादारों को हटा के अपने शिष्यों को लगाया, जो भी सेवादार थे वहां पर, जो भी पंडे थे, सबको बड़ा दुख हुआ। सबके सब जगन्नाथ भगवान के मंदिर के पीछे जाके रोने लगे, विलाप करने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमें अगर सेवा नहीं आती करनी तो हमें सेवा सिखाई जाए, लेकिन सेवा से ना हटाया जाए। वो इस प्रकार से विलाप करने लगे, क्योंकि जो भी था वो पंडे पुजारी भगवान जगन्नाथ जी पे निर्भर थे, और भगवान जगन्नाथ से उन पंडे पुजारियों का इतना प्रेम था कि वो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए बार बार विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि हमसे क्या अपराध हो गया जो कि भगवान जगन्नाथ जी ने हमसे सेवा को छीन लिया।
जो हमें हटा दिया गया सेवा से, क्या हमने ऐसा अपराध किया? वो पंडे पुजारी भगवान पर इतने ज्यादा निर्भर थे कि उन पंडे पुजारियों की जो गृहस्थी भी चलती थी वो जगन्नाथ जी की सेवा से चलती थी, मंदिर की सेवा से चलती थी। और दूसरा कारण क्या था कि वो भगवान जगन्नाथ जी के अंग सेवक थे। भगवान जगन्नाथ जी का श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, और सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी के बारे में बताना था। कुछ भी था, वो जगन्नाथ जी के भी प्रिय थे, चाहे कैसी भी सेवा कर रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी भी उनको बहुत प्रेम करते थे। और जब कुछ समय बीता विलाप करते हुए, तो भगवान जगन्नाथ जी को भी बड़ा बुरा लगा कि मेरे जो पंडे पुजारी थे उनको सेवा से हटा दिया गया, और वो मेरे मंदिर के पीछे ही इतना विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, और ये मुझे अच्छा नहीं लगा। भगवान जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य जी को बुलाया। देखिए क्या रामानुजाचार्य जी का लेवल था कि भगवान जगन्नाथ जी उनसे आमने सामने बातें करते थे। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मण जी के अवतार थे। भगवान जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य जी को बुलाया और बोला कि ये जो पंडे पुजारी मेरी सेवा कर रहे थे इनको तुमने हटा दिया है, इनको हटाओ मत, जैसा तुम सेवा करवाना चाहते हो वैसा इनको बता दो, ये वैसी सेवा करेंगे, लेकिन इनको सेवा से हटाओ मत, इनको वापस ले लो सेवा में। रामानुजाचार्य बोले कि हे प्रभु, आप जानते नहीं ये पंडे पुजारी आपकी सेवा करने लायक नहीं है, ये किसी भी वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे, और वैदिक सिद्धांतों के पालन के किए बिना आपकी सेवा किस प्रकार से हो सकती है। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, मेरे को वैदिक सिद्धांत इतने प्यारे नहीं है जितना मैं प्रेम करता हूं अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा से, भले उसमें कोई नियम पालन हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो। इससे यह भी नहीं समझना चाहिए कि जो हम अपनी मनमर्जी से करते रहें, लेकिन एक सात्विक शुद्ध आचरण में तो कम से कम रहना ही चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी रामानुजाचार्य को बार बार समझा रहे हैं कि तुम कुछ भी करो, जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा, लेकिन इनको मेरी सेवा में वापस ले लो। मेरे को ये पंडे पुजारी इतने प्रिय हैं, जब ये मेरे सामने ताली मार मार के नाचते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, तो मुझे अपने वृंदावन के ग्वाल बालों की याद आ जाती है, मित्रों की याद आ जाती है, मेरे को इतना प्रेम है इनसे, और ये भी मुझे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए तुम कुछ भी करो इनको हटाओ नहीं मेरी सेवा से, इनको वापस ले लो, मुझे वैदिक शास्त्रों के सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, मुझे प्रेम पूर्वक सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इनको हटाओ नहीं, इनको वापस मेरी सेवा में लगाओ। लेकिन रामानुजाचार्य बार बार जगन्नाथ जी को मना कर रहे थे कि ये जो पंडे पुजारी हैं इनका कोई शुद्ध आचरण नहीं है, ये तो आपको हाथ लगाने के लिए भी योग्य नहीं है, स्पर्श करने के लिए भी योग्य नहीं है, ये किस प्रकार आपकी सेवा कर पाएंगे? और आज तक जो सेवा चल रही थी वो भी कैसी चल रही थी? तो मैं इनको आपकी सेवा में स्वीकार नहीं करूंगा। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं भोग सदाचार से नहीं भाव स्वीकार करता हूं, मेरा स्वभाव है
जिसे मैं एक बार स्वीकार कर लेता हूँ उसे कभी नहीं छोड़ता। जैसे भगवान बाल कृष्ण, पूतना जब आई थी, पूतना कह रही थी, जब भगवान ने पकड़ लिया था पूतना को, पूतना कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ना सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का भी प्रेम था अपने भक्तों से, उन भक्तों से जिनको कि उनकी सेवा से हटा दिया गया था। भगवान कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, कुछ उदाहरण दिए गए यहां पे, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पांडव और माता कुंती, माता कुंती ने किस प्रकार से पांडवों को पाया, अलग अलग पुत्र को अलग अलग देवताओं का आवाहन करके प्राप्त किया। देखा जाए तो ये सही नहीं है कि अपने पति होते हुए फिर भी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन पांडव और माता कुंती इतनी शुद्ध भक्त थी भगवान कृष्ण की, और उनकी महिमा का गान श्रीमद् भागवतम में हुआ है। श्रीमद् भागवतम में उनकी महिमा दी गई है और कुंती माता की प्रार्थनाओं को स्थान दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। माता कुंती की प्रार्थनाओं को गा गाकर ऋषि मुनि तर गए और पांडवों का चरित्र सुनकर, पांडवों की भक्ति देखकर भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ गया कि भगवान अपने भक्तों के लिए सारथी भी बन जाते हैं। आज कौन कोई ऐसा बंदा होगा जो कि अपने किसी दास के लिए, अपने सेवक के लिए उसका ड्राइवर बन जाए? नहीं, हर किसी को अपने स्टेटस की चिंता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने बिल्कुल भी अपने स्टेटस की चिंता नहीं की। और अर्जुन के लिए सारथी का रूप धारण किया। क्या होता है कि जब कोई सारथी बनता है तो जो पीछे खड़ा होता है रथ में, अगर उसको राइट साइड में मुड़ना है तो सारथी को अपना राइट पैर मारेगा राइट साइड में सारथी को, और अगर लेफ्ट साइड में मुड़ना है तो लेफ्ट साइड वाला पैर मारेगा सारथी के लेफ्ट साइड पे, जिससे कि सारथी को मालूम चलेगा कि इसको राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। तो सोचिए कि अर्जुन भी भगवान कृष्ण को किस तरह से पैर मार के मुड़ने का इशारा देता होगा, लेकिन भगवान ने एक बार भी उसको नहीं कहा कि ये क्या कर रहा है, मुझे पैर क्यों मार रहा है, पीछे कर अपना पैर, तुझे पता नहीं मैं भगवान हूं। पर एक बार भी भगवान ने ऐसा नहीं सोचा, ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम अर्जुन भगवान से करता था उतना प्रेम भगवान भी तो अर्जुन से करते थे। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सारथी बन गए। फिर आगे उदाहरण आता है महाराज नृप का। महाराज नृप बहुत दानी थे और रोज के रोज ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान दिया करते थे, और एक समय ब्राह्मणों को वो गोदान कर रहे थे। और हुआ क्या कि एक ब्राह्मण को उन्होंने गायें देके आगे किया, दूसरा ब्राह्मण आया तो जो आगे जो ब्राह्मण गायें लेकर गया था बहुत सारी, उसकी एक गाय निकल के पीछे वाले ब्राह्मण के गाय के घेरे में आ गई।
इस पे वो ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज हो गया। महाराजा नृप ने कहा कि आप नाराज ना हो, मैं आपको और गायें दे देता हूं। लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरे को जो गायें चाहिए तो वही चाहिए। लेकिन जो गायें उस ब्राह्मण के घेरे में चली गई थी वो भी उसको वापस नहीं दे रहा था। तो जिसकी गायें चली गई थी उस ब्राह्मण ने महाराज नृप को श्राप दिया कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। महाराज नृप द्वारका में जाके गिरगिट बने और भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार किया उस गिरगिट की योनि से, क्योंकि महाराजा नृप के आचरण ऐसा था, वो इतना प्रेम करते थे गौओं से और ब्राह्मणों से कि उनके लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए भगवान उनको भी प्रेम करते थे, क्योंकि वो ऐसे दानवीर थे। फिर आगे माता उत्तरा पांडवों की बहू, माता उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था उसको मारने के लिए के पांडवों का वंश आगे ना बढ़ सके। ये जो एक पांडव है जो भी गर्भ में है उसको भी मार दिया जाए। लेकिन उत्तरा ने क्या किया, उत्तरा माता, ये बात है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, माता उत्तरा कृष्ण की ओर दौड़ती हुई गई कि हे कृष्ण मुझे बचाओ, मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और वो ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, मुझे बचा लो। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, जो तुम्हारे बड़े हैं उनके पास जाओ, वो तो अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत के आए हैं, सैकड़ों बड़े बड़े क्षत्रियों को उन्होंने मार दिया, इतने ताकतवर हैं ये पांडव, तुम इनके पास जाओ, तुम मेरे पास क्या करने के लिए आ रही हो। माता उत्तरा ने कहा कि मैं इस संसार में किसी के ऊपर भरोसा नहीं करती, मेरा भरोसा केवल आपके ऊपर है, केवल आप ही हैं जो कि मुझे बचा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अपना रूप बनाया एक अंगूठे की जितना और माता उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए उस बालक परीक्षित को बचाने के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण को पता था कि आने वाले समय में ये परीक्षित क्या करेगा, इसकी वजह से भागवतम उत्पन्न होगी, इसलिए इसको बचाना जरूरी है। और परीक्षित को बचाया भगवान कृष्ण ने। जो परीक्षित भी थे वो भी गर्भ में देख रहे थे कि ये कौन है जो कि मुझे बचा रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है इनका। और जब परीक्षित गर्भ से बाहर निकले और कुछ बड़े होने लगे तो हमेशा हर किसी को देखा करते थे। एक समय परीक्षित पांडवों के साथ बैठे हुए थे और सामने कृष्ण बैठे हुए थे, परीक्षित बार बार कृष्ण की ओर देख रहे थे, कृष्ण के मुख को जब देखते थे परीक्षित बहुत प्रसन्न होते थे, और जब परीक्षित अपनी नजरें नीचे करते थे तो बहुत विस्मयजनक परिस्थिति में पड़ जाते थे, क्योंकि परीक्षित देख रहे थे कि वही ये वही है जिन्होंने मुझे
गर्भ में बचाया था। ये चेहरा तो वही है, लेकिन ये जो बाकी हिस्सा है, क्योंकि भगवान कृष्ण द्विभुज थे, लेकिन गर्भ में जो स्वरूप था वो चतुर्भुज था, जो परीक्षित महाराज को दिखाई दिया था। परीक्षित महाराज बार बार देख के उनको बड़े प्रसन्न होते थे, और हर किसी को देखते थे वैसे तो वो परीक्षित महाराज, लेकिन जब कृष्ण को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए कि हाँ ये वही हैं जिन्होंने मुझे गर्भ में बचाया था। तो इस प्रकार से माता उत्तरा के गर्भ की रक्षा की भगवान कृष्ण ने, क्योंकि माता उत्तरा भगवान कृष्ण की शरण में गई थी। फिर आगे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज कितने समर्पित थे भगवान को, जबकि प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को मारने के कितने प्रयास किए, लेकिन हमेशा विफल रहा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज को बचाने वाले भगवान स्वयं थे। प्रहलाद महाराज को जब पहाड़ी से फेंका गया तो प्रहलाद महाराज तो भगवान के चिंतन में ही रहते थे, बस हमेशा नीचे भगवान खड़े हुए थे प्रहलाद महाराज को कैच करने के लिए, उनको बचाने के लिए। प्रहलाद महाराज से पूछा भगवान ने कि तुम्हें चिंता नहीं होती तुम्हारा पिता तुम्हें मार रहा है, मारने का प्रयास कर रहा है? प्रहलाद महाराज कहते नहीं, मैं केवल आपके चिंतन में रहता हूं, इसलिए मुझे उस बात की चिंता नहीं है कि मेरा पिता मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। प्रहलाद महाराज को हर जगह पे भगवान ने आकर बचाया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज समर्पित थे भगवान को। और भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि कहीं अगर भक्त थोड़ी सी भी सेवा कर दे भगवान की, तो भगवान भक्त के शुक्रगुजार हो जाते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं। छोटी से छोटी सेवा को किया गया, भगवान उस सेवा को सुमेरु के समान मानते हैं, सुमेरु पर्वत के समान, कि बहुत बड़ी सेवा कर दी मेरे भक्त ने मेरे लिए, मेरे लिए ये कर दिया, मेरे लिए वो कर दिया। लेकिन क्योंकि भगवान तो सब जगह के मालिक हैं, भगवान के लिए कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान की छोटी से छोटी सेवा भी करता है तो भी उस सेवा को भगवान सुमेरु के समान मानते हैं। अगर कहीं सेवा करते हुए उस प्रेममयी सेवा में कहीं कोई गलती भी हो जाए उस भक्त से, तो भगवान उसकी गलती को देखते ही नहीं। भगवान हमेशा ऐसा सोचते हैं, हमेशा ऐसा समझते हैं अपने भक्तों के लिए कि मेरा जो भक्त है वो परफेक्ट है एकदम, उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। चाहे किस कैसा भी अगर अपराध हो जाए भक्त से, जो कि भगवान की प्रेममयी सेवा कर रहा, भगवान की समझ में नहीं आता कि मेरा भक्त कोई गलती भी कर सकता है। हम लोग बात कर रहे थे प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यपु की। जब प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण करके आए, उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया कि यहां आओ, देखो तुमने जो वरदान दिए थे हिरण्यकश्यपु को, वो सब वरदानों में कोई इस रूप में गलती तो नहीं है? मेरे भक्त को मैं बचाने के लिए जा रहा हूं और इस दुष्ट हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए लगा हूं अभी, तुम देखो कि मेरे इस रूप में और समय में किसी भी प्रकार से तुम्हारे दिए हुए कोई वरदान तो नहीं है?
तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। भगवान ने यमुना के विषैले जल से, यमुना का जल निर्मल है लेकिन विषैला कर दिया था कालिया नाग ने, उस विषैले जल को पीकर भगवान के जो गैया थी और भगवान के जो मित्र थे, ग्वालबाल थे, वो सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे उसी समय। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस कालिया नाग का संहार करके उस कालिया नाग को वहां से हटा के उस जल को निर्मल किया और